हाय फ्रेंड, दिस इज़ रौनक सर फ्रॉम विद्यम एकेडमी. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग ऑलरेडी देख रहे थे और कल जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था दैट वाज अप्रॉक्सीमेशंस. तो अप्रॉक्सीमेटली जो पार्ट वन है वो 22 मिनट का हुआ होगा. जोक्स अ पार्ट, क्या देखा था कल हम लोगों ने उसको अगर मैं समअप करूँ सारी चीज़ें, तो कौन से स्टेप्स हम लोगों ने पार्ट वन में फॉलो करी थी वो देखते हैं. उसी हिसाब से आज हम लोग इसका पार्ट टू देखने वाले. तो कौन सी स्टेप्स थी दोस्तों, देखो मैंने बोला था जो भी सम दिया जाएगा उसका जो नंबर रहता है, जो भी नंबर रहता है वो हमें क्या एज्यूम करना है, एक्स. भगवान की दी हुई चीज़ है भाई, उसको एक्स एज्यूम करो मैंने बोला था. अब आपको स्टेप नंबर वन में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को रिकग्नाइज करना है. उसके बाद आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश ऑफ एक्स. देखो ऐसे ही किया था क्या, तो स्टेप वन में एफ ऑफ एक्स को रिकग्नाइज किया, स्टेप टू में एफ डैश ऑफ एक्स को. स्टेप नंबर थ्री में हम लोगों ने क्या किया था, स्टेप थ्री में ये जो भगवान की देन थी उसको हम लोगों ने स्प्लिट करके ए की वैल्यू अलग से निकाली और एच की वैल्यू हम लोगों ने अलग से निकाली थी. उसके इमीडिएट बाद हम लोगों ने स्टेप फोर में एफ ऑफ ए को और एफ डैश ऑफ ए को रेडी करके रखा था. अब बताइए कैसे रेडी होता है ये दोनों को रेडी करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स की. तो इनकी जरूरत हम लोगों ने कंप्लीट कर दी. अब देखो स्टेप नंबर फाइव में आपको अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है जो कि एफ ऑफ ए प्लस एच का था, जो ऑलरेडी आपको बोर्ड पे ऊपर दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला. वंस इट इज डन विद दिस, उसके बाद व्हाट यू हैव टू जस्ट डू इज कैलकुलेट करनी है वैल्यूज. देखो थोड़ा सा टाइम जाता है जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते तब. वंस यू कैलकुलेट, उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करो और सब कुछ आप लोग खत्म करो. तो जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा. सो हम लोगों ने स्टेप वन से लेकर स्टेप सिक्स तक के बेसिक स्टेप्स जो है वो ऑलरेडी देखे हुई है. तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट सम्स जो है वो चालू करते हैं. तो चलो फिर पहले सम के लिए शुरुआत करते हैं. हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों. सम दिया हुआ है टैन इनवर्स ऑफ 1.001. तो सम को सॉल्व करना है तो बेसिक स्टेप्स याद है, अभी अभी बोला था मैंने. सबसे पहले जो स्टेप्स है ना उसको मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा. देखो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो भगवान का है, तो ये 1.001 वैल्यू जो है वो आपके एक्स हो जाएगी. सो मुझे रिकग्नाइज करना था एफ ऑफ एक्स, वो तो मुझे बहुत ईजिली मिल गया. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, tan inverse of x मिल गया. As soon as I get this, मुझे step 2 में पता है क्या करना है, जो भी f of x दिया हुआ है उसका मुझे derivative find करना है. So f of x का derivative f dash x और tan inverse of x का derivative कुछ याद है, पता है सच में? Okay, 1 upon 1 plus कितना लिखूं दोस्तों, x square. तो देखो दोस्तों step 1 step 2 हमारे लिए clear हो चुका है. अब जाते हैं हम लोग स्टेप नंबर थ्री के लिए, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये जो 1.001 वैल्यू जो है इसको आप स्प्लिट करके लिखो स्मार्टली. तो 1 तो एज इट इज लिखा, 0.001 करके मैंने इसको ब्रेक किया. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इसमें से एक वैल्यू a है और दूसरी वैल्यू कौन सी है आपकी, h है. सो व्हाट आई गॉट इज a का वैल्यू मुझे मिला 1 और h का वैल्यू मुझे मिला 0.001. हम चाहिए तो इस चीज को यहां पे जरूर बॉक्स कर सकते हैं. सो एज सून एज आई गेट दिस, इसके इमीडिएट बाद मेरा एम रहेगा कि मैंने f ऑफ a और f डैश a फाइंड आउट करना है. तो पहले तो f ऑफ a को देखो, हम लोग स्टेप नंबर 1 की हेल्प लेके f ऑफ a को लिख रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ क्या दिखाई देगा, a. सिंपलीफाई करो f ऑफ a की वैल्यू बताइए दोस्तों, दैट इज tan इनवर्स ऑफ कितनी दिखाई दे रही है, 1. और आपको पता है मुझे पता है कम्स आउट टू बी हाउ मच, पाई बाय 4 tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू रहता है. सिमिलरली f डैश ऑफ a को भी मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस हो जाएगा a स्क्वायर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो f डैश ऑफ a का, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा. सो मुझे f डैश ऑफ a का वैल्यू जो मिलेगा दैट इज 1/2. सो f डैश ऑफ a आई हैव गॉट, f ऑफ a आई हैव गॉट. सो दो वैल्यूज मुझे मिलने के बाद आपको भी पता है मुझे भी पता है, अब मैं मेरा मास्टर फॉर्मूला लेके आऊंगा. f ऑफ a प्लस h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a. तो चलो फटाफट सपोर्ट करो, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस में आप लोग आगे रहोगे. f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास है पाई बाय 4 प्लस h का वैल्यू मेरे पास है 0.001 और साथ में f डैश ऑफ a का वैल्यू भी मेरे पास है, दैट इज हाफ. सो एज सून एज आई गेट दिस, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते, पाई का वैल्यू आप 3.14
16 ले सकते हो, 142 भी चलेगा इन दैट केस, बाय 4, और यहाँ पे आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 2। भाई मेरा काम थोड़ा सा कम है अभी, आपको सिर्फ ये वैल्यूज फटाफट जो निकाली हुई है उनको सिंप्लीफाई करना है। सो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आप आपके हिसाब से फटाफट फटाफट सिंप्लीफाई करो। 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 का वैल्यू कैलकुलेट करते पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली आएगा कुछ ऐसे कुछ, एंड 0.001 बाय 2 के लिए हम लोग करेंगे 0.000, और यहाँ पे टर्म आएगी दोस्तों 5। सो अगर मैं ये सब कुछ ऐड कर लूँ तो मुझे जो आंसर मिलता है दैट इज 0.785, और साथ में मिला 9। सो दैट्स ऑल, ये रही मेरी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर व्हाट 10 वर्ड्स ऑफ 1.001। सिमिलरली आप यहाँ पे ये नंबर चेंज कर सकते हो, 0.99 से प्रैक्टिस कर सकते हो, 1.01 से प्रैक्टिस कर सकते हो। सो काफ़ी सारे सम्स जो है रिगार्डिंग इनवर्स फंक्शन, टैन, कॉट, जो भी हो वो आप ऑफिशियली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो लेट्स मूव ऑन फॉर द सेकेंड सम। e raised to 2.1 गिवन दैट e स्क्वायर इज इक्वल टू 7.389। दोस्तों स्टेप्स वही है जो हम लोगों ने इस सेशन के पहले जस्ट डिस्कस करे थे, वही स्टेप्स को आगे लेके जाते हैं। पहली स्टेप जो दिया है भगवान का है, तो भाई पहले स्टेप में मैंने f ऑफ x को ढूंढना है, और f ऑफ x इज नथिंग बट e टू द पावर जो नंबर है उसको x एज्यूम किया तो मुझे मिलेगा e रेस टू x। तो लकीली अगर ये मेरा f ऑफ x है तो अब आगे के स्टेप्स में आप मुझे बताओ कि मैंने क्या करना है। करेक्ट, स्टेप टू क्या फाइंड आउट करना है, f डैश ऑफ x क्या आता है, e raised to x अकेला ऐसा फंक्शन है भाई जिसका डेरिवेटिव वो खुद ही है। सो e raised to x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे e raised to x ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, आई जस्ट नीड टू स्प्लिट दिस। क्या स्प्लिट करना है, ये जो 2.1 जिसको अपने x एज्यूम किया था उसको आप स्प्लिट करो एज 2 + 0.1। ये थोड़ा स्मार्टली करना है, इसमें आपको एक वैल्यू a मिलेगी दूसरी वैल्यू h मिलेगी। सो कंपेयर करने के बाद आई नो वी हैव गॉट a टू बी एज 2 और h टू बी एज कितना मिला 0.1। सो 2 भी मिल गया भाई, सॉरी a भी मिल गया भाई और h भी मिल गया। सो a और h एक बार आ गए तो स्टेप नंबर 4 में इन दो स्टेप्स को यूज करके हम लोग एक एक वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो f ऑफ a मुझे कैसे दिखाई देगा, e टू द पावर a, एंड लकीली f डैश ऑफ a भी मुझे दिखाई देगा e टू द पावर a। तो चलो बताओ जल्दी से अभी ये f ऑफ a कैसे होगा जबकि a की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है। सो यू विल बी पुटिंग a की जगह पे 2, सिमिलरली यू विल बी पुटिंग a की जगह पे 2। तो देखो हम लोग को डायरेक्टली f ऑफ a का आंसर मिल चुका है, दैट इज 7.389। सर इतना फास्ट आंसर कहाँ से लाए हो भाई, दिया हुआ है देखो आपको समझ में आ ही जाएगा। सिमिलरली f डैश ऑफ a की भी वैल्यू 7.389 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। सो एज सून एज वी हैव गॉट दिस, अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5, अपना अपना मास्टर फॉर्मूला लेके आओ दोस्तों। सो मास्टर फॉर्मूला टेल्स मी एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू कितना होना चाहिए एफ डैश ऑफ ए। नाउ छोटी छोटी चीजें जो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूशंस में पुटअप करनी है, एच की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों 0.1 और साथ में आएगा 7.389। सो ये सब कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, आई नो आप लोग भी मेरे साथ ये चीज़ें कर रहे हो, 0.7389 हो जाएगा। नाउ इफ आई ऐड दीज टू मेरा आंसर 8 point something आ जाएगा। सो इन दिस केस द आंसर दैट आई विल बी गेटिंग इज 8.1279, राइट। सो माय आंसर इन दिस केस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 8.1279 के आसपास आ जाएगा। सो देखो दोस्तों अगर आपको सारे बेसिक स्टेप समझ में आ रहे हैं जो हम लोगों ने किए हुए, तो ये सम्स बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, एंड लेट मी अश्योर यू ये आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। तो ये सम नंबर 2, इज इट क्लियर टू यू, ये पैटर्न अब आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3। थर्ड सम देखते हैं, log टू द बेस ई 9.01 की वैल्यू हमें निकालनी है, गिवन दैट log 3 का वैल्यू दिया है 1.0986। तो अभी
इस सम को सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों का वही फंडा यूज होने वाला है भाई। ये जो टर्म दी है उसको एज्यूम करो x फिलहाल, तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा दोस्तों। f ऑफ x इज log टू द बेस e, और आप लोग लिख सकते हो x विच इज log x ओनली, हम लोग यूजुअली ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट करो f डैश ऑफ x, log x का डेरिवेटिव दोस्तों क्या रहेगा, 1/x, करेक्ट। सो वी हैव गॉट दिस। अब जस्ट ब्रेक इट डाउन, ये जो 9.01 आपको दिखाई दे रहा है उसको ब्रेक करो, 9 प्लस 0. कितना कर सकते हो दोस्तों, 0.1 कर सकते हो। सो एज सून एज यू मेक इट लाइक दिस, आपको ये a प्लस h में स्प्लिट करना है एज वी नो। सो a की वैल्यू मिल गई मुझे 9, h का वैल्यू मिल गया 0.01। सो आई हैव गॉट a एज वेल एज आई हैव गॉट व्हाट, h। स्टेप नंबर 4 में मुझे ये सारी वैल्यूज लिखनी है, जैसे f ऑफ a would look like now log a, f dash of a would now look like 1/a। तो चलो a की वैल्यू फटाफट सब्स्टिट्यूट करते, तो f ऑफ a मुझे मिल जाएगा log ऑफ, करेक्ट, log ऑफ मिल जाएगा 9, f dash of a मुझे मिल जाएगा 1/, कितना मिल जाएगा 9। सो सारी वैल्यूज मेरे पास रेडी है, तो ये जो भी है मैं अभी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड द मास्टर फॉर्मूला वुड गिव अस एफ ऑफ ए प्लस एच, बताओ दोस्तों याद हो चुका है, ऊपर भी लिखा हुआ है, प्लस एच इंटू कितना मिल जाएगा आपको एफ डैश ऑफ ए। तो चलो एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सपोर्ट मी, एफ ऑफ ए की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट करोगे लॉग 9, प्लस एच की जगह पे आएगा 0.01, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए की जगह पे आएगा 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 9 आएगा। नाउ वंस यू गेट दिस एज योर वैल्यूज, अब मुझे बताओ गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है, log 3, हमें यहाँ पे कहीं पे log 3 वाली टर्म सब्स्टिट्यूट करना नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, वी डू नॉट हैव डायरेक्ट वैल्यू ऑफ log 9, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, log ऑफ ये जो 9 है यू कैन राइट दिस एज टू बी 3 का स्क्वायर, और ये 0.01 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं, तो आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता है, जो भी इंडेक्स में रहता है वो आगे चला जाता है। सो 2 log 3, एंड ये जो 0.01 है इसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो आई गेट माय आंसर हैज टू बी 0.00111। सो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मैं यहां पे 2 इंटू log 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, दैट इज 1.0986 गिवन, प्लस 0.00111 मेरे पास है। सो अगर मैं ये 1.0986, आप समझ रहे हो, 1.0986 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इट कम्स आउट टू बी 2.1972, करेक्ट, गेट्स एडेड विद 0.00111। अब देखो भाई मेरा तो काम है नहीं, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.1981 के हिसाब से। सो दैट्स ऑल, ये रहेगा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन यू सॉल्व सम्स ऑन अप्रोक्सीमेशन। तो चलो नेक्स्ट सम के लिए अब जाते हैं इसके बाद। फोर्थ सम देखिए दोस्तों, log टू द बेस 10 1016, गिवन दैट log टू द बेस 10 e इज इक्वल टू 0.4343। अब मैं बताता हूँ, बहुत लोगों को बेस 10 और बेस e में कन्फ्यूजन है, राइट? तो अभी जो यहाँ पे सम दिया हुआ है वो बेस 10 का है, इसके पहले जो आपने सम किया था दैट वॉज बेस e का सम था। तो अब ये जो बेस का कन्फ्यूजन है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों पहले प्रायर थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, कैसे, मैं बताता हूँ। log e टू द बेस 10 को आप कैसे लिख सकते हो, ये तो बेसिक है भाई, log ऑफ e अपॉन क्या हो जाएगा log ऑफ 10, और ये जो भी कुछ होगा ये सब कुछ बेस क्या हो जाएगा दोस्तों, e हो जाएगा। तो आपको पता है log e टू द बेस e का आंसर तो वैसे भी कितना होने वाला है, 1/, यहां पे कितना आने वाला है log 10, करेक्ट। अब ये 1/log 10 जो आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इस 1/log 10 का आंसर एज यूजुअल दे हैव गिवन अस दैट इज 0.4343 दिखाई दे रहा होगा। सो यहां पे ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पहले दिमाग में रखो, मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किया हुआ है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके? चलो तो सम को अभी मैं आगे लेके जा रहा हूँ आपके साथ। तो पहली स्टेप सबको पता है क्या क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स होगा, इस भाई साहब को भगवान की देन एक्स एज्यूम किया, सो दिस इज log टू द बेस 10 और क्या हो जाएगा x, कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई फॉर मी, यस इट वुड बी log x बाय कितना हो जाएगा log 10 हो जाएगा,
एनीवेज नो इश्यूज, उसके बाद निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, राइट। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स में क्या करोगे, वन अपॉन लॉग टेन वाली टर्म एज ए कॉन्स्टेंट है तो जैसे वैसे रहेगी, लॉग एक्स का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड वी ऑल नो दैट लॉग एक्स का डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी वन डिवाइडेड बाई एक्स। नाउ इतना सब कुछ तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब देखते हैं कि ये जो टर्म 1016 है इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है। मैं बहुत स्मार्टली स्प्लिट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो रीजन थोड़ी देर में पता चलेगा। 1000 प्लस मैंने कर दिया 16 एंड वी ऑल नो दैट ए होता है एच होता है, तो भाई मुझे ए की वैल्यू मिली 1000 है ना, और मुझे एच का भी वैल्यू मिला दैट इज 16। सो एच के वैल्यू को और ए के वैल्यू को मैंने बॉक्स कर दिया। अब इस बॉक्स के बाद मेरा एम रहेगा इज टू फाइंड एफ ऑफ ए, जो मुझे दिखाई दे रहा है लॉग ए बाय लॉग 10 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ देखो। सिमिलरली एफ डैश ऑफ ए को भी मैं पैरेलली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लॉग 10 विथ 1 अपॉन कितना दिखाई देगा x रिप्लेस बाय a, सो 1 अपॉन a। तो चलो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके f ऑफ a को थोड़ा भाई सिंप्लीफाई कर ही लेते, सो 1 अपॉन log 10 को थोड़ा अलग लिखते हैं, log ऑफ कितना हो जाएगा 1000। एफ डैश ऑफ a में 1 अपॉन log 10 एज इट इज 1 अपॉन यहाँ पे a की वैल्यू हो गई दैट इज योर 1000। सो यहाँ तक हम लोग आ गए, तो चलो अब सिंप्लीफाई भी करते हैं। आपको पता है मैंने प्रीवियस सम में इस 1000 की डायरेक्ट वैल्यू, लॉग 1000 की डायरेक्ट वैल्यू ना होने की वजह से हम लोग इसको 10 का क्यूब लिख के स्प्लिट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे तो आपका एफ डैश ऑफ ए बहुत शान से बैठेगा, दैट इज एक काम करते इसमें भी 1 अपॉन लॉग 10, आपको पता है मुझे पता है मैंने अभी अभी सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन लॉग 10 की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ ना, तो 0.4343 दिखाई देगा, आई एम सॉरी, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन 1000 दिखाई देगा। देखो मज़ा आ रहा है। अब देखो log ऑफ a रेस टू b में ये 3 वाली चीज़ आगे जाती है, तो 3 आएगा, 1 अपॉन log 10 होगा, साथ में भाई साहब log 10, ये आ गया मज़ा, आपका log 10 और log 10 का टर्म कैंसिल हो गया, और ये f डैश ऑफ a अंकल जो है वो 0.4343 अपॉन 1000 लेके बैठे हुए, राइट। तो चलो अब जितना भी दिखाई दे रहा है इन सारी चीज़ों को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा देखते हैं। अब मैं जाता हूँ मेरे फाइनल आंसर्स के फॉर्मूला के लिए, मास्टर फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच इज एफ ऑफ ए, आई एम सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होना चाहिए, और यहाँ पे होगा प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस कितना ईजी हो गया मेरे लिए, देखो आप अभी एफ ऑफ ए की जगह पे भाई मैं ये और ये कैंसिल होने के बाद डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ 3, इसी के साथ साथ प्लस एच मेरा ऑलरेडी आ चुका है, एच हम लोगों ने 16 किया हुआ एज्यूम, उसी के साथ साथ 0.4343 हो जाएगा है ना, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000। तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई करो दोस्तों, 3 एज इट इज प्लस एज इट इज, आई विल वेट फॉर यू टेल यू सिंप्लीफाई दिस। तो 16 इंटू 0.4343 डिवाइडेड बाय 1000 को सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट योर आंसर हैज टू बी 0. बताओ सही है कि नहीं, ये आपको कैलकुलेट करना होगा दोस्तों, 0.00694 मुझे दिखता है, एंड अल्टीमेटली द आंसर दैट यू गेट इज 3.0069, और कितना दिखाई दिया दोस्तों 4, एंड दैट्स इट, ये रहा आपका फाइनल आंसर जब आप इस सम को सॉल्व करोगे। ये काफ़ी बार बोर्ड्स में आ चुका है तो ये सम काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलो अगर ये समझ में आया है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। देखो नेक्स्ट सम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x² - 7x + 10 एट एक्स इज इक्वल टू, कहाँ पे फाइंड आउट करना है 1.12। देखो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, खुद ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे चुके हैं भाई, तो अभी हम लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई है, एंड एफ ऑफ एक्स जैसा है वैसे लिखो, एक्स क्यूब प्लस 5x² - 7x + कितना हो जाएगा 10। एज सून एज यू गेट दिस नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड करेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स। चलो बताओ डेरिवेटिव, एक्स क्यूब अंकल का 3x² 2x की वजह से 10x होगा और यहाँ पे आ जाएगा -7। सो एफ ऑफ एक्स मिल चुका है, रादर दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स हम लोगों ने एफर्ट्स लिए। अब बताओ ये जो 1.12 है इसको कैसे स्प्लिट करोगे, 1 प्लस 0.12 दैट इज a प्लस कितना हो जाएगा h, तो भाई मुझे तो a की वैल्यू मिली 1, वाव, एच की भी वैल्यू मिली 0.12। अब देखो दोस्तों ए मिल चुका है, एच मिल चुका है, नेक्स्ट एम रहेगा
एफ ऑफ ए को फाइंड आउट करना, जो कि दिखेगा ए क्यूब प्लस फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस टेन, एंड एफ डैश ऑफ ए को भी साइमल्टेनियसली फाइंड करना है थ्री ए स्क्वायर प्लस टेन ए माइनस सेवन। तो ए तो भाई वन है, तो फटाफट वन का क्यूब हो, वन का स्क्वायर हो, वन वन स्क्वायर, ये सब जगह पे वन आएगा, तो मैं फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, वन प्लस फाइव माइनस सेवन प्लस टेन। सिंप्लीफाई करोगे तो 16 माइनस सेवन वुड कम आउट टू बी 9। तो मुझे भाई एफ ऑफ ए का आंसर मिल चुका है। एफ डैश ऑफ ए बताओ, चलो 3 प्लस 10 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 6। तो मुझे एफ डैश ऑफ ए का भी वैल्यू मिल चुका है। सो अब आएगा मेरा मास्टर फॉर्मूला, एंड मास्टर फॉर्मूला टेल्स मी एफ ऑफ ए प्लस एच दिस एफ ऑफ ए प्लस एच इन टू एफ डैश ऑफ ए। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस में हेल्प करो, 9 प्लस एच का वैल्यू कितना है 0.12 इन टू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो 9 प्लस पॉइंट कितना हो जाएगा 72। सो माई आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी 9 पॉइंट कितना दिखाई दे रहा है 72। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, हम लोग सम को ख़त्म कर चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा क्विक रिवीजन में, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो कि इसके स्टेप्स क्या क्या थे, कहाँ पे लाइनअप करूँ, क्या सिखाया था। सबसे पहले चलो बताओ फटाफट, ये स्टेप नंबर वन है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करना था। स्टेप टू, हाँ, एफ डैश एक्स फाइंड करना था। स्टेप थ्री क्या था, स्प्लिट करो और ए और एच को आप लोग निकाल लो। स्टेप नंबर फोर में क्या था, आपको एफ ऑफ ए और क्या निकालना था, एफ डैश ऑफ ए। स्टेप फाइव में फॉर्मूला यूज करना था, एंड स्टेप सिक्स तो भाई सिंप्लीफाई। सो दैट्स इट, दिस एंड्स आर अप्रोक्सीमेशन के सम्स। तो अब कमिंग वीडियो में आई विल कम अप विद नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। थैंक यू सो मच।